हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर वन में से क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो अब तक हम इससे पहले वाली दो वीडियोस में इसी सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन वन से लेकर 16 तक सॉल्व कर चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 17 से 20 तक ये जो चार क्वेश्चंस होंगे, ये आपके चार क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। तो इस वीडियो में हम इन चार क्वेश्चंस में से दो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको केस दिया गया है पैराबोलिक पाथ का, कि अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ ट्रेस बाय द कार इज शोन बिलो। कि एक हाईवे के ऊपर एक कार मूव करती है और जिस रास्ते से वो जाती है वो इस तरह का एक पाथ ट्रेस करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में ए बी सी डी एंड ई। द पैटर्न ऑफ द पाथ ट्रेस्ड इन द शेप ऑफ पैराबोलिक, और ये जो शेप यहाँ पर है ये पैराबोलिक शेप है। सो इन मैथमेटिकल फॉर्म द गिवन पाथ फॉलोड बाय द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म पी एक्स। तो यहाँ पर उस पॉलिनोमियल को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, जहाँ पर पहली टर्म है ए एन एक्स की पावर एन, देन सेकेंड टर्म है ए एन माइनस वन और एक्स की पावर भी एन माइनस वन, देन नेक्स्ट टर्म में है एक्स की पावर एन माइनस टू। जैसे कि आप जानते ही हो कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं तो वो जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर टू, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर वन और थर्ड टर्म जो है वहाँ पर एक्स की पावर होती है जीरो। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वैल्यू की पावर जब जीरो हो दैट मीन्स उसकी वैल्यू बन जाती है फिर वन। और जब हमें लिखना हो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो हम लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि x के डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में इसको लिखा गया है। और सेम यहाँ पर एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा गया है जिसमें फर्स्ट टर्म में x की पावर n है, देन n माइनस वन एंड देन n माइनस टू, इस तरीके से। और जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं उनमें से फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कर्व सी डी ई। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो कर्व सी डी ई है, सी डी ई, इसकी शेप है पैराबोलिक। इस तरह से जो भी शेप हम बनाते हैं वो सभी शेप पैराबोला की फॉर्म में होती हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, इसको हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं ओपन राइटवर्ड पैराबोला और इसको हम बोलते हैं ओपन लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो आप देख सकते हो कि पॉइंट सी डी ई जो कर्व है वो भी पैराबोला की ही फॉर्म में है। तो जो चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं कि जो सी डी ई कर्व है उसकी शेप पैराबोलिक, सर्कल, स्ट्रेट लाइन या एलिप्स, तो इनमें से जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि पैराबोलिक, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट बी पार्ट। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ़ द शेप ऑफ द कर्व ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, देन इट्स जीरोस आर। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और आपको इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तब तो हमारे पास इसकी मिडिल टर्म यानी कि माइनस सेवन आ जाए, और अगर हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसकी थर्ड टर्म यानी कि हमारे पास ट्वेल्व आ जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं थ्री एंड फोर। कि अगर आप माइनस थ्री और माइनस फोर को लेते हो तो देखिए, माइनस थ्री एंड माइनस फोर इन दोनों को एक साथ ऐड करने पर ये आ जाएगा माइनस सेवन, और अगर आप माइनस थ्री और माइनस फोर को मल्टीप्लाई करते हो तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस ट्वेल्व। इट मीन्स कि जो दो नंबर्स हमें लेने हैं वो हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे माइनस थ्री एंड माइनस फोर। तो इस तरह से जीरोज़ में जो आंसर हमें मिलेंगे उसके लिए बस आपको केवल इनका साइन चेंज कर देना होगा, इट मीन्स वो नंबर हो जाएंगे थ्री एंड फोर, और ये है इसका ऑप्शन नंबर टू सही आंसर। तो देखिए, ये तो थी एक शॉर्ट ट्रिक कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हो तो वहाँ पर हमें दो नंबर्स लेने थे माइनस थ्री एंड माइनस फोर, और ये कंपलसरी होता है, ये ज़रूरी होता है कि आंसर में जो जीरोज़ हमें मिलेंगे हमें उसमें इन दोनों का अपोजिट साइन ही मिलेगा।
यानी कि अगर यहाँ पर ये दोनों माइनस में हैं तो आंसर में हमें दोनों प्लस में ही मिलेंगे, और वहाँ पर डायरेक्ट हमने ये बता दिया है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर टू है इसका 3.4 ये इसका सही आंसर होगा। बट अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो इसके लिए आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वेयर और माइनस सेवन एक्स की जगह पर हम लिख देंगे माइनस 3x माइनस 4x, यानी कि यहाँ पर हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में। अब यहाँ पर जो पहली दो टर्म्स है यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x को और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3। उसके बाद के जो दो टर्म्स है वहाँ से आप कॉमन ले सकते हो माइनस 4 को और यहाँ पर भी जो फैक्टर है वो x माइनस 3 ही आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर एक फैक्टर x माइनस 3 है और दूसरा फैक्टर x माइनस 4 होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इनको कंपेयर करेंगे जीरो से, यानी कि इनको जीरो के इक्वल में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो माइनस 3 है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा और जो माइनस 4 है वो भी उधर जाके प्लस में ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो आंसर हमारे पास यहाँ आए हैं वो 3.4 ही हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पहले बता ही दी थी कि अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो माइनस 3 एंड माइनस 4 तो इट मीन्स ये कंपल्सरी है कि आंसर में प्लस 3 एंड प्लस 4 ही आएगा। तो यानी कि बी सम का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर है। देन इसके बाद हमें कहा गया है द पाथ ट्रेस बाय द कार हुज जीरोस आर 2 एंड माइनस 4। तो देखिए इस बार हमें यहाँ पर जीरोस दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल को। आपको पता है कि जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया गया हो तो वहाँ से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, देन हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इस तरह से हमारे पास वो पॉलिनोमियल आ जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर को, देन फिर हम लिखेंगे इस माइनस को, और यहाँ पर फिर हमें लिखना होगा सम, यानी कि उन दोनों जीरोस का सम। तो आप देख सकते हो कि जीरोस हमारे पास हैं 2 एंड माइनस 4। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, 2 एंड माइनस 4 को ऐड करने पर आता है माइनस 2, क्योंकि इसमें माइनस वाला नंबर बड़ा है और यहाँ पर फॉर्मूले में भी माइनस का ही साइन है। तो जब इस माइनस 2 को हम वहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2, जिसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ। देन इसके बाद हमें लिखना है उन्हीं जीरोस का प्रोडक्ट, तो 2 एंड माइनस 4 का जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा माइनस 8। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा माइनस 8। तो इस तरीके से देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितनी शॉर्ट ट्रिक से हम इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसके जीरोस हमें दिए गए हों। तो यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बट अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से यानी कि इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो उसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपको लिखना होगा कि जो दो जीरोस दिए गए हैं 2 एंड माइनस 4, तो उनको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। फिर अगर हम 2 को x के पास लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड अगर माइनस 4 को हम x के पास लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर x माइनस 2 एंड x माइनस 4 x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। देन हम माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 को, तो ये आ जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 8। अब इसके बाद 4x माइनस 2x इन दोनों को कंबाइन करने पर तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, तो ये मिडिल टर्म आ जाएगी 2x, वो सबसे लास्ट में है माइनस 8। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी जो आंसर आपका आया है वो यही है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। और इसको इससे पहले हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी किया था जहाँ पर हमने सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ किया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि द गिवन पाथ इज शोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच इज शोन बिलो। तो यहाँ पर उस पाथ को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन कर्व, कि इस पूरे कर्व के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ये हमें बताने हैं। तो इसके लिए बस आपको केवल ये देखना है कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इनमें से पहला पॉइंट ये है, फिर ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट और ये है चौथा पॉइंट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को चार पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के यानी कि इस ग्राफ के चार जीरोस हो जाएंगे और इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद है फिर इसमें ई, इफ़ द पाथ ए बी सी ट्रेस बाय द कार इन अबव क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ। तो देखिए आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को। तो इसका तरीका ये है कि आपको पहले ये देखना होगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। तो जो इसके जीरोस होंगे दैट मीन्स वो जीरोस वही पॉइंट होंगे जहाँ पर वो कर्व उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मानकर चलिए अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस आ जाते हैं 2 और 6 तो जस्ट आपको केवल ये देखना होगा कि 2 और 6 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है और वही डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, इट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है 4। तो इसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक से अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए यानी कि इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको कोई ऐसे दो नंबर्स देखने होंगे जिनको अगर आप प्लस या माइनस करते हो तब तो आपके पास 8 आ जाए, बट अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास 15 आ जाए। तो ऐसे नंबर होंगे 5 और 3 और उन दोनों नंबर्स को हमें प्लस में ही यूज़ करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, क्योंकि 5 और 3 अगर प्लस में हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 15। यानी कि पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए हमें 5 और 3 को यूज़ करना होगा प्लस में, बट जब हम इनको जीरोस की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आएंगे इनके ही अपोजिट साइन के, यानी कि 5 भी उसमें माइनस का हो जाएगा फिर और 3 भी माइनस का हो जाएगा। और ये आपको मैंने इसी सम के सबसे पहले वाले पार्ट में प्रूफ भी करके दिखाया था कि जिन नंबर्स को हम यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए यूज़ करते हैं तो आंसर में हमें हमेशा उसका अपोजिट साइन ही मिलता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के जो कि है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 इसके जीरोस हमें मिल जाएंगे -5 और -3 और आपको बस केवल ये देखना है कि -5 और -3 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 और 3 चाहे प्लस में हो या 5 और 3 चाहे माइनस में हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा हमेशा दो ही नंबर्स का। आप देख भी सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक नंबर लाइन है यहाँ पर है 0, -1, -2, -3, -4 और -5 तो ये है आपका -3 और ये है -5, तो -5 और -3 इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि दो नंबर्स का डिफरेंस है, इट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसी सम को करने का लॉन्ग मेथड है उसमें आपको पहले इसके जीरोस को फाइंड आउट करना होगा, जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लिखेंगे कि 5x प्लस 3x प्लस 15, फिर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x को तो ये आ जाएगा x प्लस 5, फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3 को तो फिर से ये x प्लस 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर होगा x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, इट मीन्स जब हम इनको जीरो से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू होगी -5 और -3। तो अब आप यहाँ -5 और -3 का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो -5 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो -3 को तो 5 माइनस में और 3 माइनस और माइनस ये प्लस में, तो इस तरह से इनके बीच में यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -2 मिला, बट हमें मतलब था केवल उनके डिफरेंस से, हमें वहाँ पर साइन को नहीं देखना है, हमें केवल उनके बीच का डिफरेंस यानी कि उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही चाहिए, तो वो हो जाएगी 2। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 17 जिसके 5 पार्ट्स हमने सोल्व किए। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लासरूम इन अ मैथमेटिक्स क्लास अ टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट फॉर डिटरमाइन द मीन बाय डिफाइनिंग द फॉर्मूला एक्स बार। एक्स बार का मीन्स होता है मीन, हम मीन को ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और यहाँ पर वो फॉर्मूला लिखा गया है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखिए आपके सिलेबस में
जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप फाइंड आउट करते हो मीन, मीडियन एंड मोड। और वहीं पर मीन को फाइंड आउट करने के तीन मेथड दिए गए हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और फिर एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उनमें से जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का। तो यहाँ पर आगे कहा गया है कि फर्दर अ टीचर गिव वन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग द अबव कंसेप्ट। तो फिर उस टीचर ने बच्चों को एक एग्जांपल दिया इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, और वो एग्जांपल ये है, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। कि किसी स्कूल के 10th क्लास के 30 स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एक पेपर लिया गया और उनका जो रिजल्ट आया, यानी कि उनके जो मार्क्स आए हैं, वो इस टेबल में दिए गए हैं। तो 100 मार्क्स के पेपर को क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड 85 से 100। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। इट मीन्स कि उस 30 स्टूडेंट्स में से ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में आए हैं, और ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 25 से 40 तक आए हैं, ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से 55 तक आए हैं, और ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 55 से 70 तक आए हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट टेबल हमें दी गई है। इसमें इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल और इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी डेटा में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई भी एक नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको हम बोलते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं जैसे कि 5, 3, 4, 3, 7, 4, 3, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 3 है वो टोटल 3 बार रिपीट हुआ है, इट मीन्स 3 की फ्रीक्वेंसी है 2। और जो 4 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि 3 की फ्रीक्वेंसी है 3, क्योंकि वो 3 टाइम्स आया है। जो 3 है वो 3 टाइम्स आया, इट मीन्स 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, बट 4 आया है यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 4 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। बट 5 केवल 1 टाइम आया, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 7 भी केवल 1 टाइम आया, तो 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट सम में कहा गया है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स, कि उन स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका एवरेज, एवरेज का मतलब है कि हमें उनका मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आंसर में तो आपको केवल इन्हीं 4 ऑप्शन में से ही किसी एक को लिखना है। तो जो भी कैलकुलेशन होगी, यानी कि जो भी मेथड आप इसमें अप्लाई करोगे, वो सारी कैलकुलेशन आपको रफ में ही करके देखनी होगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप मीन, मोड या मीडियन को फाइंड आउट करते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं वो कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। देखिए, अगर मैं क्लास इंटरवल लिखता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये जो क्लास इंटरवल है ये तो कॉन्टीन्यूस है। बट अगर मैं लिखता हूँ 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो ये वाले क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल हम उनको बोलते हैं कि पहला क्लास इंटरवल जिस पॉइंट पर, जिस नंबर पे ख़त्म हुआ, सेकंड क्लास इंटरवल सेम उसी नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। ये सेकंड क्लास इंटरवल जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट जो थर्ड क्लास इंटरवल होगा वो सेम उसी नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट 25 है, यानी कि वो 25 पे ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल फिर 25 से ही स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स ये सभी जो क्लास इंटरवल हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं। तो यहाँ पर अब इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, उनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ कर लेना होगा। तो अगर आप यूज़ करते हो डायरेक्ट मेथड का, देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में हमें दी गई हैं, हमने उनको लिख लिया है। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं क्लास मार्क्स को। क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं, हम इनकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करते हैं एंड उनको डिवाइड कर देते हैं 2 से। इट मीन्स अगर आपको 10 से 25 का क्लास मार्क्स फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर 10 और 25 को ऐड करना होगा और देन उसको डिवाइड कर देना होगा 2 से। तो 10 प्लस 25 इज़ 35,
एंड आप जानते हो कि 35 का हाफ होता है 17.5। इसी तरह से 25 से 40 को जब आप ऐड करते हो तो इनका सम 65 एंड 65 बाय 2 यानी कि 65 का जो हाफ है ये हो जाएगा 32.5। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास मार्क्स को हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद डायरेक्ट मेथड का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा fi को xi से। fi इट मीन्स फ्रिक्वेंसी एंड xi मीन्स क्लास मार्क्स। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 17.5 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 35.0, जिसको आप या तो 35 भी लिख सकते हो। देन 3 और 32.5 का प्रोडक्ट 97.5, 7 और 47.5 का प्रोडक्ट 332.5, 6 और 62.5 का प्रोडक्ट 375.0, देन 6 और 77.5 का प्रोडक्ट 465.0 और इसी तरह से 6 और 92.5 का प्रोडक्ट 555.0। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को एंड FiXi को। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो तो है 30। ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया था कि जो डेटा है वो 30 स्टूडेंट्स का डेटा है। इट मीन्स FI का तो जो सम होगा वो होगा 30। और यहाँ पर जो FiXi के अंदर नंबर आए थे उन सभी का सम है 1860.0, जिसको हम केवल 1860 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एवरेज यानी कि मीन फाइंड आउट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि समेशन ऑफ FiXi डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, यानी कि 1860 को हमें डिवाइड करना होगा 30 से और उसको डिवाइड करके जो आंसर हमें मिल रहा है वो है 62। तो देखिए आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। इट मीन्स जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है कि 62 इस डेटा का एवरेज यानी कि मीन है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 to 45, कि जो इंटरवल 40 से 45 है उसकी हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जितने भी इंटरवल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं हम सभी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF को फाइंड करेंगे। तो देखिए CF को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है 2, उसको हमें एज इट इज़ लिख देना होगा। देन उस 2 में हम ऐड करेंगे 3 को तो 2 + 3 हो जाएगा 5। देन उस 5 में हम ऐड करेंगे 7 को तो 5 + 7 इज़ 12। देन 12 में हम ऐड करेंगे 6 को तो 12 + 6 इज़ 18। देन 18 + 6 इज़ 24 एंड 24 + 6 इज़ 30। तो इस तरह से ये हो जाएगी CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये आपको ध्यान रखना होता है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वही उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट का नंबर भी होता है। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना था 40 से 50 वाले क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है 12। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देन सी पार्ट में हमें बताना है कि थ्रू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड, कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम किस सेंट्रल मेजरमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए तीन जो मेन मोड एंड मीडियन ये होते हैं सेंट्रल मेजरमेंट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसको फाइंड आउट करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो इट मीन्स इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमें बतानी है। तो देखिए उसका जो एक लॉन्ग मेथड है वो तो ये है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर n है यानी कि जो FI का फ्रीक्वेंसी का जो सम है आपको उसका हाफ करना होगा, जिसको हम बोलते हैं n/2। तो 30/2 का हाफ हो जाएगा 15। फिर आपको ये देखना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें उस 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो 15 से जस्ट ग्रेटर नंबर यहाँ पर है 18। इट मीन्स इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जो है वही उस मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर 1। बट इसी को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था एवरेज को यानी कि मीन को, और मीन आया था 62।
तो जिस क्लास इंटरवल में से ये मेन आया है, सेम उसी क्लास इंटरवल में से मीडियन भी आता है। दैट मीन्स बस आपको केवल ये देख लेना है कि जो 62 इसका मीन है वो इनमें से कौन से क्लास इंटरवल के बीच का नंबर है। तो यहाँ पर जो 62 है ये आता है 55 से 70 के बीच में। इट मीन्स कि जो मीडियन है वो भी इसी क्लास इंटरवल में से ही निकलेगा, यानी कि इसकी जो लोअर लिमिट है 55 वही मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो जो हमसे पूछा गया था कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 55। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, या तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके, या फिर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका मीन 62 है, वो 62 आता है 55 से 70 में, इट मीन्स मीडियन भी इसी क्लास इंटरवल में से ही आएगा, यानी कि 55 इसकी इस मीडियन की जो मॉडल क्लास है, जो मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी। फिर ई पार्ट में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए डी पार्ट में पूछा गया था मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी कि जिस क्लास इंटरवल में से मीडियन आता है उसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आपको बतानी थी। बट अब आपको ये बताना है कि जो मॉडल क्लास है, यानी कि जिस क्लास इंटरवल में से मोड निकलता है, उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या होगी। तो जस्ट इसके लिए आपको ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है उनमें से ग्रेटेस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो है 7। और 7 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो है 40 से 55। इट मीन्स इसी क्लास इंटरवल में से आपका मोड आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। और आपसे पूछा जाए कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 55। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, इट मीन्स हम कहेंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 55। तो देखिए ये तो थे केस स्टडी के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस 17 एंड 18। बट इसी सैम्पल पेपर में दो और क्वेश्चंस हैं अभी जो केस स्टडी के ऊपर ही बेस्ड हैं, 19 एंड 20, और उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इन दोनों सम की, ये जो अभी 17 एंड 18 हमने किए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।